ये देखो हमारी अयोध्या की वीडियोस आती रहती है। तो गाइस हम अयोध्या पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबरी भंडारा। यहाँ जय श्री राम, मैं पवन यादव अयोध्या से। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्लीज कमेंट करिएगा आप कहाँ से वीडियो हमारी देख रहे हो। पहले स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, आज हम आपको इवनिंग टाइम में घुमाते हैं। अभी बज रहे हैं 5 यानी 6 बजने वाली है अयोध्या में, और अभी हमें देवकाली बाईपास। अब हम अपना थोड़ा सा जो है ब्लॉगिंग मोड जो है चेंज करते हैं। अब हम आपको पूरी अयोध्या ना अपने हिसाब से दिखाते हैं, और मेरे हिसाब से आप देखना। आपको मैं गाइड भी करता रहूँगा और सारी चीज़ बताता भी रहूँगा, कैसे कहाँ कैसे जाना है सब कुछ दिखाता रहूँगा। अभी मैं देवकाली बाईपास पे पहले लूँगा अतुल भाई को, यानी हमारे साथ जो ब्लॉगिंग करते हैं। तो यहाँ पर रुक के ये देखिए, ये देवकाली बाईपास है, और उसके बाद ये आप पूरा देखोगे। अभी अतुल भाई आ रहे हैं। तो गाइज मैं पहुंच गया देवकाली बाईपास के आगे, और यहाँ पर आप देखोगे किस तरीके से पेंटिंगें बन रही है भाई। ये देखो जबरदस्त, और आज शाम के टाइम का नज़ारा आप देखोगे। अभी बज गई है 6:04, ठीक है। अतुल भाई को आने में ज़्यादा दिक्कत हो गई इसीलिए नहीं आ पाए वो ये तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से बिल्डिंगें हैं। ये लोकेशन आप देख रहे हो ना, एकदम बढ़िया सीन के लिए लोकेशन है। आने वाले टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस भी आने वाली है। तो अभी हम NH-27 पे हैं और चल रहे हैं सीधे अयोध्या की तरफ। तो आपको लग्जरी होटल देखना हो, रूम देखना हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं और आप इंक्वायरी कर सकते हो। अभी जो है आपको हम घुमाने ले चल रहे हैं इवनिंग टाइम में, जैसे कि लता मंगेशकर अगर अंदर एंट्री मिलती है तो वहाँ पर भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से दिखता है अभी शाम के टाइम का नज़ारा श्री अयोध्या धाम में। तो गाइस आप देख रहे हो ना शाम के टाइम क्या नज़ारे हैं ओवर ब्रिज के। आप देखो सर्विस रोड भी तैयार हो गया ना, वाकई में बहुत ही प्यारे तरीके से सारे काम जो हैं वो चल भी रहे हैं, और अयोध्या की तरफ हम चल भी रहे हैं। यहाँ से देवकाली बाईपास से अयोध्या जो है वो तकरीबन अभी से यहाँ से 6 किलोमीटर होगा, और 6 किलोमीटर से चलते हैं। और ये भवदीय स्कूल है, और बगल में ही अपना स्वास्तिका होटल है जहाँ पर आप ठहर सकते हो। लेकिन भैया मार्च में बता रहे हैं, मार्च में रूम खाली नहीं है, तो ये चीज़ आप ख्याल रखना। और गूगल पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो इस वजह से आप ध्यान रखना, ध्यान से कोई चीज़ बुक करना। स्कैनर अगर कोई देता है तो आप पहले पेमेंट ना कराना, ये सब चीज़ है। और हमारे साथ अभी अतुल भाई है। अतुल भाई क्या हाल है? बढ़िया चल रहा बिजनेस भाई, भाई का लाइब्रेरी है, कौन सी लाइब्रेरी है? विजन डिजिटल लाइब्रेरी है, विजन डिजिटल लाइब्रेरी जो कि देवकाली बाईपास पे है, जबरदस्त तरीके चलता है। इनके पास जो स्टूडेंट है तकरीबन 400 से 500 स्टूडेंट जो है यहाँ पर इनके जो है जो लाइब्रेरी है डिजिटल वहाँ पर रहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो अयोध्या में लाइब्रेरी, तो भाई के कर सकते हो। अगर मेरे के थ्रू आओगे तो भाई जहाँ पे अगर 400 भी लग रहा है ना तो आपको 350 लगेगा, कन्फर्म है। सब छूट रहेगा ना, इसीलिए आज मैं वीडियो के फ्रेम में अतुल भाई को लेकर आया हूँ कि भाई देखो पढ़ाई के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है हम लोग। तो भाई का लाइब्रेरी है, जरूर जाकर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अब बहुत सारे सिलेबस भी बहुत चीज़ बताता रहता है, अपडेट भी देते रहते हैं ये लोग, है ना। तो अतुल भाई आज हमारे साथ अतुल भाई जाएंगे अयोध्या घूमने के लिए, और हम भी अयोध्या घूमेंगे, आपको नज़ारा भी दिखाएंगे। तो गाइस आप देख रहे हो ना यहाँ से जो श्री राम मंदिर है 3 किलोमीटर है, हनुमानगढ़ी 4 किलोमीटर है, लक्ष्मण किला जो है 6 किलोमीटर है, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल किलोमीटर जो 3 किलोमीटर यानी है ये रास्ता है, जो कि हमारा स्वास्तिका होटल इधर साइड पड़ता है, इधर एकदम किनारे, यहाँ से 3 किलोमीटर है। बहुत लोग पूछते भैया आपके होटल से कितना किलोमीटर तक जो है होटल वो है श्री राम मंदिर, तो 3 किलोमीटर है भैया यहाँ से। और ये NH-27 है हाईवे, जहाँ पे सनसेट आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और ये ऐसे रोड गई है नीचे से सर्विस रोड, आप देखो कितने टूरिस्ट जा रहे हैं उधर साइड में, तो आपको ऐसे मिल जाते हैं। तो हम सीधे चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए धीरे धीरे। यहाँ पर ऐसे ऐसे पिलर भी लग रहे हैं। तो गाइस आप सामने देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ भी आ गई हैं, टाइल्स की इंडस्ट्री यानी आ गई ना इधर सब, आप देख रहे हो टाइल्स की। और भी आपको होटल बहुत सारे बनते हुए दिख जाएंगे यहाँ पर। ये होटल है यहाँ का, और देखिए ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होटल जो है अयोध्या में खुल रहे हैं। अभी बहुत सारा कमेंट आ रहे थे ना कि अयोध्या में भैया जो लग्जरियस और भी हर एक चीज़ होटल रिजॉर्ट ये सब खुल रहे हैं, वो चीज़ भी आप दिखाएँ। तो आज मैं रोड के किनारे किनारे जितने भी जो NH-27 पे पढ़ते हैं वो चीज़ तो हम आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, बट आज आपको शाम का टाइम दिखाएंगे। अभी बज रही हैं 6:12, थोड़ी सी वीडियो बनाते बनाते लेट हो जाता है, लेकिन खींचते हैं अपने बैलगाड़ी को
बैलगाड़ी नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बुरी मान जाएगी भाई ये। और ये सर्विस रोड भी आप देखो कितना तगड़ा निर्माण यहाँ पे चल भी रहे हैं, ये देखिए वाकई में बहुत ही प्यारा है और नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अयोध्या में जैसे आप प्रवेश करो तो वहाँ पर आप सड़क पे ही गाड़ी ना खड़ा करना, वरना भैया आपका 300 रुपये जाएगा बाइक का, और अगर आप कार से आते हैं तो आपका 1000 कटेगा जेब से। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी अयोध्या में। तो हम आपको पूरी जो गाइड है वो करता रहता हूँ, बहुत सारी मंदिरों का भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी तो स्ट्रीट लाइटें वगैरह नहीं जली हुई हैं, लेकिन चलते हैं आगे आपको पूरे दिखाते हैं, देखो नज़ारे अयोध्या के। तो गाइस अभी आप देख रहे हो मैं अयोध्या जा रहा था और अतुल भाई ने बताया कि यहाँ पे 6 लेन बन रहा है ना, क्यों अतुल भाई? हाँ भाई 6 लेन का काम चालू हो गया पूरा पूरा देख रहे हो, 6 लेन बन रहा है इधर। मुझे पता था कि अभी ये सर्विस रोड बन रहा है, उसके बावजूद भी उधर भी बन रहा है, तो ये 6 लेन पूरा तैयार होने वाला है। ये NH27 देखो, और ये होटल बन रहा है, यहाँ होटल है द रामायणा होटल, अभी 4 नंबर बूथ पे हम पहुँचे हुए हैं। तो वीडियो बनाते बनाते टाइम लग जा रहा ना, अभी 6:15 हो रही हैं, आगे और चलते हैं क्या माहौल है अयोध्या के, वो चीज़ भी चलते चलते हम आपको दिखाएंगे। और गाइस इधर देखोगे हाईवे किनारे यहाँ पर एक और होटल यहाँ पर बन गया है, तो ऐसे ऐसे जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर ऐसे बन भी रहे हैं, इधर साइड आप देख सकते हो, और इधर देखेंगे ये आप देखो पूरा। तो यहाँ पर बहुत सावधानी से रहेंगे कि कुछ इस तरीके से गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर निकालते हैं, है ना, ये चीज़ नहीं सही रहता है। बाकी यहाँ पर लाइटें आप देख सकते हो जलने लगी हैं नाइट में। और एक होटल जो है आपको बाईपास यानी जो बस अड्डा है यानी नया बस स्टैंड है उसके बगल में भी आपको दिख जाता है। तो ये आप व्यू चेक करो, वाकई में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो गाइस हम अयोध्या पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबरी भंडारा यहाँ चलता है, जैसे आप प्रवेश करोगे यानी एंट्री करोगे तो यहाँ पर चलता है, अभी नहीं है फिलहाल लेकिन सुबह के टाइम से शाम तक पूरा चलता है भंडारे। तो इस तरीके से है ये, और इधर साइड आप देखेंगे अभी अयोध्या में भीड़ कितनी ज़्यादा रहती है ये आप चेक कर सकते हो शाम के टाइम। देखिए इस तरीके से भीड़ जो है यहाँ पर लगी हुई है, और भैया इधर से एंट्री करते हैं, ये आप देखिए ये सूर्या पैलेस है। आपको मैं होटल भी दिखाते रहना हूँ इससे आपको दिक्कत ना हो, और आप धर्मपद देखोगे तो मज़ा आ जाएगा भैया, अभी दिल खुश हो जाएगा, आपने कई बार देखा भी होगा। ये देखो ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर फुलवारी जो है वो चालू हो जाती है पूरी, और ये पार्किंग दे दिया गया है सिंपल सा, लेकिन कहा भी नहीं जा सकता कि नगर निगम वाले उठा भी ले जा सकते हैं। तो ये अभी हम देवकाली बाईपास से अयोध्या बाईपास आ गए हैं, और यहाँ पर भी टेंट सिटी आपको देखने को मिलता है, लेकिन अब कोई फ्री टेंट सिटी नहीं है, सिर्फ भोजन जो है वो संतों के द्वारा फ्री में चलाया जा रहा है, यानी अब उसको फ्री नहीं उसको महाप्रसाद कह सकते हैं। तो भाई कमेंट कोई ना करना कि भैया उसको महाप्रसाद बोलते हैं, तो महाप्रसाद हम भी जानते हैं उसे महाप्रसाद ही बोला जाता है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए उसको मैंने बोलना पड़ जाता है। भैया इधर आप देखेंगे तो ये है यहाँ से पिलर और इधर से शुरुआत है, ये आप देखिए है ना, और ये आप देखेंगे तो हमने कई बार हम लोग ने दिखाया है, हमारे साथ अतुल भाई भी हैं और आज हम साथ में गए थे। ये जो है अयोध्या बाईपास है, और आप प्रवेश करने पे आप एंट्री करने पे देख रहे हो ना किस तरीके से शाम को दिख रहा है। हमारी अयोध्या की वीडियोस आती रहती हैं, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, हमारे जो ये दिख रहा है आपको ना ये इंस्टाग्राम आईडी वो उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं आप, वहाँ पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप देखो धर्मपथ, ये आप देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हो ना कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, वाकई में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और हम प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर भी होटल आपको जो है रामायणा रामेश्वरम होटल दिख जाता है, और यहाँ पर पेंटिंग चलती हैं, यहाँ पर भंडारे चलते हैं, इधर आप देख सकते हो ना पूरा इधर मस्त तरीके से भंडारे चल रहे हैं। और अभी बज रहे हैं 6:30 बज गई, आते आते मुझे 6:30 बज गई, और यहाँ पर पेंटिंगें बनी हुई थी लेकिन अभी लाइटें नहीं जल रही हैं। और पेड़ पे आप देखो, ये देखो भैया ये किस तरीके से मस्त लग रहा है ना भाई, ज़बरदस्त तरीके से है। और अभी हम पहुँचे हैं राम घाट हल्ट, है ना,
अब ये सब नया नहीं होगा आप लोग के लिए, क्योंकि मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी दिखाते रहते हैं। तो मैं सोचा कि हमारे व्यूअर है तो आज शाम के टाइम आपको दर्शन कराते हैं अयोध्या धाम का। देखिए मैं बाइक लेकर, या आप ऐसे बाइक लेकर एंट्री मत करिएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जाम में फंस सकते हैं। अभी आप देख रहे हो सामने ऊपर ये है जहाँ पर ट्रेन मनिकापुर वगैरह के लिए जाती है, जिसको राम घाट हल्ट बोला जाता है। और भैया अभी आप देखोगे हनुमान गुफा के पास है, यहाँ पर भी पहले भंडारा वगैरह मिलता था और यहाँ पे भी सहायता केंद्र बनाया गया है। यहाँ से आप पूछ सकते हैं आपको कहाँ कैसे जाना है, छावनी जाना हो तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड जा सकते हैं और राइट जाएंगे तो शमशान घाट जाएंगे और राम नाम आश्रम की तरफ जाएंगे। इधर से आप देखो किस तरीके से रोके हैं हमारे चचा जी, और इधर साइड देखिए कुछ इस तरीके से है प्रवेश करना, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भैया, भीड़ इतनी हो जाती है। और ख़ासकर अगर संडे को प्लान कर रहे हो भैया तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, संडे को ना आएंगे अयोध्या। देखिए देख रहे हैं ना, सब सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, कितना ज़बरदस्त तरीके से सब चल रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। और श्री राम मंदिर तो सिर्फ देखने आते हैं यानी दर्शन करने आते हैं, उसके बावजूद भी अयोध्या में बहुत चीज़ है जहाँ पर आप जा सकते हो। अब जो है सुबह के टाइम 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये संग्रहालय खुला होता है, जिसमें कि आप पूरी अयोध्या की जो श्री राम मंदिर की दास्तां देख सकते हो, जिसमें कि उनके अवशेष वगैरह रखे हुए हैं श्री राम मंदिर के, जो खुदाई मिले थे राम जन्मभूमि में। तो आप ज़रूर एक बार जाएं अयोध्या से, अगर आप आते हैं तो आपको यहीं बगल में ही मिल जाएगा चौधरी चरण घाट के पास में। और ये आप देखोगे यहाँ पर भी जो है 20 सूर्य स्तंभ बनाए गए थे जो अभी भी रखे गए हैं। देखिए शाम के टाइम सनसेट हो गया, अपना सूर्य अस्त इधर ही से होता है ना। ये देखो वाकई में बहुत ही प्यारी लाइटिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। सरयू अतिथि गृह हमारे राइट हैंड साइड पड़ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में श्री राम मंदिर पड़ जाता है। तो इधर साइड आपको दिखाते हैं अभी चल के, ये देखिए ये आप देख रहे हो ना किस तरीके से, ये जो है लता मंगेशकर के पास आप देखिए यहाँ फ़ोटो शूट वगैरह किए जा रहे हैं। इधर ये चीज़ चल रहा है, इधर ये चल रहा है, इधर ये देख रहे हो भाई राजा महाराजों वाला है। तो आप देख रहे हो ना नाइट यानी इवनिंग में किस तरीके से जो है यहाँ पर ये दिखता है, और इधर साइड आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से है ना, मस्त लग रहा ना पूरा। और इधर साइड आप देखोगे तो यहाँ पर बस स्टैंड बना हुआ है छोटा सा, जिसमें इलेक्ट्रिक बस चलती है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक बस जो है अयोध्या में चलती है, और ऑटो चलते हैं गुलाबी में और वाइट में, जिसमें कि लड़कियाँ जो चलाती हैं वो गुलाबी ऑटो चलाती हैं। और इधर साइड आप आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं इधर, ये आप देखो पूरा माहौल कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन मैं कल संडे को आया था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर इस तरीके से, ये आप देखो। तो गाइस आप देख रहे हो ना यहाँ पर आओगे तो ऑटो वगैरह मिल जाएगी आपको। और अभी हम चलते हैं आपको सरयू नदी से यानी सरयू ओवर ब्रिज से, आपको दिखाते हैं अयोध्या के नज़ारे, घाट के नज़ारे। इधर साइड आप देख रहे हो ना अभी राम पैड़ी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही हैं, और इधर साइड आप देखो पूरे भगवे कलर के झंडे आपको दिख रहे होंगे। और आरती का भी टाइम हो गया है, तकरीबन 6 बजे आरती जो है वो होती है। अगर ऊपर से होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ सरयू ओवर ब्रिज से, देखिए इधर साइड है और क्या नज़ारे हैं अयोध्या के। ये शाम के टाइम बेस्ट लोकेशन अगर होता है तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए, जो कि अभी 6 बजे अगर आप आते हो अयोध्या में प्रवेश होते हो तो आपके लिए भैया गोल्डन टाइम है। बहुत ही अच्छा लोकेशन लगता है और जो माहौल है वो अच्छा लगता है। ये आप देख रहे हैं नीचे जा सकते हैं, यहाँ से भी नीचे जो है आप बाइक लेकर नहीं जा सकते। और भैया आप देखो सरयू नदी के ओवर ब्रिज पे आ गए हैं, और यहाँ पर आप देखो क्या नज़ारे हैं अयोध्या के भाई, वाकई में बहुत ही प्यारा है। ये आज मैं फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ अपने अयोध्या के इस वीडियो में। आज मैं मेरा यही मोटिव था कि अयोध्या में नई चीज़ हमको खुद देखना और आपको दिखाना। तो ये आप देखो ना भाई साहब सरयू ब्रिज आप देखो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी लाइटिंग तो आप देख ही रहे होंगे सामने किस तरीके से लाइट जो है वो जल रही है, ये देखिए। और ये परमानेंट के लिए हो गया है, अगर कोई प्रवेश करता है अयोध्या में तो ये आपको देखने को मिले, ये देखिए पूरा है ना, वाकई में बहुत ही प्यारा है। और अगर आप अयोध्या आते हैं ना, अगर फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं ना तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा, कसम भगवान की है ना, अयोध्या में ऐसे ही बोलते हैं भैया, अयोध्या में बोलते हैं अवधी भाषा।
अगर आप अयोध्या आवत हो ना तो जरूर अवधी भाषा बोलो। हम लोग भी अपने घर पे अवधी भाषा जो है वो बोलते थे। आप देखते होंगे अयोध्या में रामायण में आपने देखा होगा सब बहुत लोग जो हैं प्रजा जो है अवधी में बोलते थे, उस तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है अवधी भाषा। और सामने ही आपको इसके बाद नवाबगंज पड़ जाता है। तो गाइस आप देख सकते हो ना हम अयोध्या पे पहुँच ही गए थे, तो यहाँ पर सरयू आरती हो रही है, एक आरती यहाँ हो रही है, एक आरती वहाँ पर हो रही है, महा आरती। जो मैं हमेशा कहता था ना कि अयोध्या में अगर आप आते हैं तो आपको महा आरती यहाँ देखने को मिलता है, जो कि स्वर्ग घाट पे। बाकी घाट उधर साइड में भी ढेर सारे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो घाट है ना आपको ये ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पर लाइट वगैरह सरकार जो है लगवा दी है अच्छे तरीके से, और ये ऑसम व्यू चेक करो, क्या मज़े हैं भाई, मज़े ही मज़े, हम लोग के मज़े ही मज़े हैं। इधर सारी बोटें चल रही हैं लेकिन लाइटें नहीं चल रही हैं इधर साइड में। अब देखो किस तरीके से सरयू नदी सूख भी गई है, वहाँ पर पूरा रेता आया हुआ है। जितना आप ये जगह देख रहे हो और ये जगह देख रहे हो, यहाँ पर बालू है, बाकी थोड़ा सा ही पानी है। बाकी इधर साइड किस तरीके से ये जो हो रहा है बोट, ये देखो किस तरीके से आरती हो रही है, ये देखो। तो गाइस आपने पूरी वीडियो देखी किस तरीके से शाम का टाइम मैंने दिखाया था आपको, और अभी आप देखोगे हमारे पीछे सरयू आरती भी हो रही थी, तो आपको मैंने ये भी शॉट दिखाए। और यहाँ पर जो है सरयू ओवरब्रिज के पास में भी बहुत चीज़ जो है लाइटें वगैरह वो लग गई हैं। तो अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं शाम के टाइम आ सकते हो, 4 बजे, 4 बजे आप आओगे, 4 से 5, 6 और 6:30 बजे तक यहाँ पर आरती हो रही है। अभी 6:30 बज रही हैं, तो इसके बाद लेजर शो वगैरह भी होता है राम पेड़ी पे, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है शाम के टाइम अयोध्या में। ऐसे बहुत सारे अपडेट देखने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में। तब के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या।